कैन यू गेस चैट जीपीटी के बड़े भाई GPT-4 के अलावा अभी और क्या ट्रेंड कर रहा है? इट्स अ शाइनी न्यू जॉब टाइटल जो इन AI मॉडल्स के साथ ही आया था, विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम होता है कि वो AI और ह्यूमंस के बीच के कम्युनिकेशन गैप को मिनिमाइज करे, ताकि वो हमारी बातें अच्छे से समझकर हमें एक पर्सनलाइज्ड और हेल्पफुल सॉल्यूशन दे सके, ना कि सिर्फ कुछ कीवर्ड्स के बेस पर एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन। आप सब ने बचपन में जीनी के बारे में तो जरूर सुना होगा कि कैसे आप उनसे जो भी विश मांगते हैं वो उसे पूरी कर देते हैं। सोचिए कि आप उससे ये विश मांगते हैं कि आपको खाना चाहिए। अब ये विश इतनी वेग है कि वो जीनी आपको घास भी दे सकता है और इंसेक्ट्स भी, क्योंकि आपने उसे अभी तक ये नहीं बताया है कि ये खाना आपको चाहिए किसके लिए। पर चलिए मान लेते हैं कि उसे ये पहले से पता था, फिर भी वो आपको अभी भी जो खाना है वो वेज, नॉन वेज, वीगन, न जाने कितने कितनी वैरायटी का खाना दे सकता है। अब ये भी स्पेसिफाई कर दोगे तो उसके बाद भी उसे आपकी फेवरेट डिशेस और भी कुछ डिटेल्स लगेंगी, ताकि पर्टिकुलरली जो आपने खाना मांगा है वो आपको वो दे सके। क्योंकि जीनी आपकी विश तो पूरी कर देगा, पर उसे आपकी विश के पीछे के इंटेंशंस के बारे में कुछ नहीं पता। हम मिड जर्नी, डाली, चैट जीपीटी और बाकी सभी AIs को उस जीनी की तरह ही मान सकते हैं। उन्हें आपकी कमांड को मानने के लिए तो प्रोग्राम किया गया है, लेकिन आप उनको कितने अच्छे से वो कमांड दे सकते हो वो भी अपने आप में एक अलग ही स्किल है, और यही स्किल पजेस करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। लेकिन इंजीनियरिंग शब्द सुनकर घबराइए नहीं, बिकॉज रेगुलर इंजीनियर्स की तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कोई भी यूजुअल ह्यूमन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश को यूज कर डायरेक्टली AI के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और फिर उनकी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को समझते हैं, ताकि वो उन्हें इम्प्रूव करने में मदद कर सके। ओके, बट ये सब तो हम समय के साथ खुद भी सीख सकते हैं, फिर अचानक से इसकी इतनी डिमांड और हाइप क्यों है? तो बात ये है कि भले ये टूल्स बहुत रिसेंटली ही मार्केट में आए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इन पर काफी डिपेंडेंट हो चुकी हैं ऑलरेडी। लोग चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं अपने कवर लेटर्स, कोड्स, अपने कॉन्टेंट और बल्कि अपनी डेटिंग ऐप की बायो की लाइन्स लिखने के लिए भी यूज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिलो और रेडफिन जैसी रियल एस्टेट कंपनीज AI की मदद से ही अपनी होम लिस्टिंग्स जनरेट करती हैं। अब ऐसे केस में ऑब्वियसली बात है कि उन पर प्रेशर होता है अपने कस्टमर्स के लिए पर्सनलाइज्ड होम लिस्टिंग्स जनरेट करने का, क्योंकि इसी पर कंपनी की पूरी रेपुटेशन और उनके प्रॉफिट्स डिपेंडेंट है, और इस केस में कोई भी गलत प्रॉम्प्ट यूज करना उनकी रेपुटेशन पे बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि AI का मिस इन्फॉर्मेशन जनरेट करना कोई नई बात नहीं है। रिसेंटली एक टेस्ट के दौरान AI यूजर के सामने अपना लव कन्फेस करने लगा था, और जबकि दूसरी ओर किसी ने एक AI चैटबॉट से उसकी सिक्योरिटी डिटेल्स निकलवा ली थी। इतने बड़े स्केल पर ऐसे बग्स होना ना तो यूजर्स के लिए सेफ है और ना ही इन बॉट्स की फाउंडिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को हायर किया जाता है, ताकि वो इन AIs को ट्रेन कर सके और किसी भी तरह की फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रिवेसी ब्रीच या हेट कमेंट्स को डिटेक्ट कर सके और उन्हें फैलने से रोक सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी से कहें कि एग्जाम्स में चीटिंग कैसे करते हैं, तो वो आपको ये रिस्पॉन्स देगा कि ये उसकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है। कुछ स्टूडेंट्स को ये सुनकर दुख हुआ होगा, मगर एक बड़े स्केल पर ये AI के मास अडॉप्शन के लिए हेल्प करता है। चलिए अब जानते हैं कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स वर्क कैसे करते हैं, और ये हम जानेंगे डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के एक्सपीरियंस से, जो कि रिले गुड साइड है। रिले लास्ट ईयर दिसंबर से स्केल AI नाम के एक AI स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और वो हमें बताते हैं कि उनका काम होता कैसे है। तो सबसे पहले तो वो चैटबॉट से कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल पूछते हैं, अगर जवाब गलत हुआ तो वो खुद चैटबॉट को बोलते हैं कि वो उसे बताए कि उन्होंने ये जवाब क्यों दिया। अपने सवाल के सारे लॉजिक्स और रीजंस शेयर करते हुए चैटबॉट को अपनी गलती मिल ही जाती है। ऐसे दो तीन बार एक तरह के क्वेश्चन के लिए उस बॉट को बार बार ट्रेन करने से वो उस गलती को रिपीट करना बंद कर देता है। कभी कभी बीच बीच में वो उसे किसी नए तरीके का टास्क भी दे देते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किसी नई या स्पॉन्टेनियस सिचुएशन में। इसके अलावा रिले नॉर्मल यूजर्स के प्रॉम्प्ट्स को भी यूज करते हैं,
चैटबॉट को उनसे यूज टू करने के लिए, ताकि अगली बार अगर वो प्रॉम्प्ट कोई और यूज करे तो उसे एक बेटर, ज्यादा स्पेसिफिक और एक्यूरेट रिस्पॉन्स मिल सके। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। रिले के अकॉर्डिंग ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मेंटल एक्सरसाइज की तरह ही है, क्योंकि आप बहुत सारी इमेजिनरी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हो अंटिल यू गेट टू अ पॉइंट जहां पर आपको AI एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सके उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए। क्योंकि इन AIs में बग रिपोर्ट्स नहीं होती हैं, तो और भी मुश्किल होता है ये पता कर पाना कि आखिर AI गलती कर कहां रहा है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस जॉब के लिए आपको कोडिंग सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट बहुत रिसेंटली टेस्ला के फॉर्मर AI चीफ ने ट्वीट भी किया था दैट द हॉटेस्ट न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। ये सब सुनकर अगर आपके मन में भी ख्याल आ रहा है कि मुझे एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना है, तो चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कैसे आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हैं। तो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपकी पूरी जॉब इसी पे बेस्ड है जहाँ पे आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है AI के साथ यूजिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज, ताकि आप जो AI और ह्यूमंस की कम्युनिकेशन गैप है उसको ब्रिज कर सके। साथ ही में आपकी राइटिंग स्किल्स की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिकॉज आप सारे कमांड्स लिखकर ही AI को समझाएंगे। इसके अलावा आपको AI के मॉडल्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अलॉन्ग विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स। बाकी सब कुछ सीखने के लिए देयर इज नो वन पर्टिकुलर सोर्स जहां पर जाकर आप सब कुछ सीख सकते हो, बिकॉज यहां पर बहुत सारे डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं। आप जिस भी टूल के साथ काम कर रहे हैं आपको उसे बहुत अच्छे से समझना होगा। आपको ये भी जानना होगा कि किस तरीके के रिजल्ट्स ये किस किस फॉर्मेट्स में आपको प्रेजेंट कर सकता है, इस सिस्टम की नॉलेज कितनी है और कौन सी लैंग्वेजेस और फॉर्मेट्स ये समझता है एक्सेट्रा। और रिसोर्सेज की अगर बात करें सो देयर आर लॉट ऑफ फ्री एज वेल एज पेड रिसोर्सेज अवेलेबल। आपको कौन सा ट्राई करना चाहिए वो आपके बजट और आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। शुरुआत में आप YouTube वीडियो से सीख सकते हैं और फिर डैश प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड जैसे रिसोर्सेज पर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा आप GPT-3 और ट्रांसफॉर्मर्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी नाम की किताबों को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपको प्रॉम्प्ट डालना तो नहीं सिखाएंगे, पर इनसे आप सीख सकते हैं कि कैसे ये बड़े AI लैंग्वेज मॉडल्स बनते हैं। बट इतना सब सीख के इतनी सारी मेहनत करके आपको मिलेगा क्या? गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की एक्सपेक्टेड सैलरी कैन बी एनीवेयर बिटवीन 175K US टू 335 US। पैसा ही पैसा। और अगर आपको जॉब नहीं करनी हो तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कुछ क्रिएटर्स अपने प्रॉम्प्ट्स को प्रॉम्प्ट बेस्ड जैसे मार्केटप्लेसेस पर सेल करना प्रेफर करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग AI जनरेटेड आर्ट पीसेस को खरीदते हैं और उन पीसेस को जनरेट करने के लिए यूज किए गए प्रॉम्प्ट को भी। कुछ सेलर्स तो प्रॉम्प्ट कस्टमाइजेशन एंड 1-to-1 चैट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। प्रॉम्प्ट बेस के फाउंडर बेन स्टोक्स बताते हैं कि 2021 से लेकर अब तक 25,000 अकाउंट्स ने प्रॉम्प्ट बेचे और खरीदे हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग? वेल, दैट्स हार्ड टू से। एट दिस मोमेंट डेफिनेटली इस जॉब रोल की बहुत ही ज्यादा डिमांड है और अच्छी खासी कॉम्पेंसेशन भी मिल रही है, पर क्या आगे जाकर ही इतनी ही डिमांड इसकी बनी रहेगी? इसके रिलेटेड सब लोगों के थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस है। जैसे कि एक तरफ कुछ लोगों का मानना है दैट दिस इज नॉट रियली अ जॉब एंड ओनली टिल द टाइम वी गेट यूज्ड टू टूल्स सच एज GPT-4 इन रोल्स की डिमांड रहेगी। लेकिन वही दूसरी तरफ एक आर्ग्यूमेंट ये भी बन रही है कि मिड जर्नी और चैट GPT जैसे अभी बहुत सारे AI मॉडल्स आने वाले हैं, क्योंकि AI इंडस्ट्री तो ग्रो ही हो रही है और अगर नए AI मॉडल्स आते रहे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो श्योरिटी के साथ हम यही कह सकते हैं कि अभी के लिए इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है इफ दैट्स समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन। और अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो हम फ्यूचर में ही जान पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स या AI के फ्यूचर के बारे में? अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर आइए एंड डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट रेड बटन सो दैट यू कैन स्टे अप टू डेट विद आवर वैल्यू पैक्ड वीडियोस दैट आर कमिंग अप ऑन द चैनल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू।